हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट होम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ अकबर एंड बीरबल ऑफ क्लास 3 इंग्लिश 1 एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 44 एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज इटसेल्फ अकबर एंड बीरबल। सो लेट्स स्टार्ट। अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर। जो अकबर था ये एक बहुत महान मुगल शासक था। ही हैड अ वाइज मिनिस्टर। उसका एक बुद्धिमान मंत्री था बीरबल। और उसका क्या नाम था? बीरबल। बीरबल हैड अ शार्प माइंड। और जो बीरबल का जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा तेज था। ही वॉज ऑलवेज रेडी विद अ विटी माइंड टू सूट द ओकेजन्स। और उसका बहुत ही विटी माइंड रहता था, हंसी मजाक से भरपूर उसका माइंड रहता था, जो कि हर तरीके के ओकेजन में सूट होता था। विद हिज शार्प एंड इंटेलिजेंट माइंड बीरबल वॉज एबल टू सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। और उसका दिमाग बहुत तेज था और वो बहुत इंटेलिजेंट था, इसी वजह से वो लगभग सारी ही जो मुश्किल परेशानियाँ होती हैं उनको वो सॉल्व करने की योग्यता रखता था। Once Akbar's court was visited by a famous pandit who was well versed in many languages. एक बार अकबर के दरबार में एक महान पंडित आए जो कि बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे और उसमें निपुण थे। He challenged everybody in the court that he could answer any question in any language. और जो दरबार था उसमें जितने लोग थे उन्होंने उनको चैलेंज किया या उनसे बोला कि चुनौती दी कि किसी भी लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसको आंसर कर दूंगा। ही वुड आंसर इन व्हिचएवर लैंग्वेज ही वाज आस्क्ड एंड नोबडी कुड गेस हिज मदर टंग। और उन्होंने बोला कि वो जो कोई भी क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाएगा वो उसी लैंग्वेज में आंसर कर देंगे और इट शुड बी लाइक इट मस्ट बी सो परफेक्ट कि कोई भी उनकी जो मदर टंग है, जो उनकी मातृभाषा है, वो पहचान नहीं पाएगा। वन डे अकबर एंड द पंडित वर स्टॉलिंग इन द रॉयल गार्डन। एक बार अकबर और उसके जो पंडित थे जिनके बारे में बात हो रही है, गार्डन में स्टॉल कर रहे थे। सडनली द पंडित चैलेंज द एम्परर। और अचानक से जो पंडित था उसने एम्परर मतलब जो अकबर है उनको चैलेंज किया। He said, "Your Highness, by tomorrow your courtiers should tell me what my mother tongue is." कि कल जो है आपके जो दरबारी है वो मुझे बताएंगे कि मेरी मदर टंग कौन सी है। If they fail to do so, I shall assume that there is no one in your country as wise as me. और अगर वो ये बताने में विफल हो गए कि मेरी मदर टंग कौन सी है तो इसका मतलब मैं ये आऊँगा कि आपकी कंट्री में मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है। When everyone in the country pleaded their inhabitant to judge the pandit's mother tongue, Akbar turned to Birbal. और at last जो है जब सब जितने भी दरबारी थे या जितने भी उसकी कंट्री में जो लोग थे उस अकबर की कंट्री में, जब वो ये नहीं कर पाए तो अकबर बीरबल के पास आया। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज बट आई नीड सम टाइम। तब जो है बीरबल ने बोला कि ठीक है, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। इट मे बी टिल टमोरो मॉर्निंग। और ये लगभग हो सकता है कि कल सुबह तक का समय हो। टाइम वॉज ग्रांटेड एंड द कोर्ट वॉज डिसमिस्ड। और इस तरीके से जो कोर्ट है उसको डिसमिस कर दिया गया और टाइम जो बीरबल है उसको दे दिया गया। That night Birbal went to Pandit's quarters and entered his bedroom. उस रात को पंडित के जो स्कैटर में बीरबल गया और उनके बेडरूम में एंटर हुआ। When the Pandit was fast asleep, Birbal tickled with his ear with hay. और जब जो पंडित है वो सो गए तब बीरबल ने उनके कानों में हे बोला। The Pandit's sleep was disturbed और उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो गई। He turned to other side and went off to sleep again. और इस तरीके से जब उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई उन्होंने करवट ली और वो दोबारा से सो गए। बीरबल नाउ टिकल्ड हिज अदर ईयर। और फिर बीरबल ने उसके दूसरे कान में बोला, नाउ द पंडित स्लीप वॉज डिस्टर्ब। और उसके बाद में जो पंडित की नींद थी
और डिस्टर्ब हो गई। ही वोक अप एंड लाउडली सेड, और वो जगे और उन्होंने बहुत ही जोर से बोला, ये ब्रुरारू आदि, दैट मीन्स हु इज दैट, कि वहाँ कौन है। सीइंग नो वन ही वेंट बैक टू स्लीप, उसने जब किसी को भी नहीं देखा तो उसने दोबारा से वो सो गया। बीरबल केम विद आउट विदाउट इट्स नोटिस, बीरबल चुपचाप से वहाँ से आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट असेंबल, अगले सुबह जो है दरबारी फिर से असेंबल हुए, इकट्ठे हुए। द पंडित वॉज ऑल्सो इन, जो पंडित है वो भी वहाँ पे था। लुकिंग एट हिम बीरबल बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, आई थिंक टुडे यू शुड कन्वर्स इन तेलुगू, कि मुझे ऐसा लगता है कि आज आप तेलुगू में बोलेंगे। द पंडित लुक सरप्राइज, ही आस्क्ड बट व्हाई, पंडित ने जो है पंडित को बहुत आश्चर्य हुआ, उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों। पंडित स्माइल्ड एंड सेड, आई एक्सेप्ट द डिफीट, बीरबल इज वाइजर देन मी। फिर पंडित को हंसी आ गई, उन्होंने बोला कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, जो बीरबल है वो मुझसे ज़्यादा वाइज यानी बुद्धिमान है। अकबर वॉज वेरी हैप्पी, ही आस्क्ड बीरबल, अकबर बहुत खुश है, उसने उन्होंने बीरबल से पूछा, बट हाउ डिड यू फाइंड दिस आउट, कि आपको ये कैसे पता चला। बीरबल एक्सप्लेन्ड, योर हाइनेस, व्हेनेवर अ मैन इज इन डिस्ट्रेस ही ऑलवेज स्पीक्स इन हिज मदर टंग, कि जब भी इंसान डिस्ट्रेस में होता है तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करता है। ही देन नैरेटेड द लास्ट नाइट्स इंसिडेंट, और इस तरीके से उसने पिछली रात का वाक्य बताया। एज यूजुअल अकबर हैड नो वर्ड्स टू प्रेज बीरबल, और हर बार की तरह इस बार भी अकबर के पास में बीरबल की तारीफ करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट स्टोरी, रीड इट वंस ट्वाइस और थ्राइस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट वेरी केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।